खान नदी के पानी को पतित पावन शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए त्रिवेणी घाट पर बनाया गया अस्थायी पाला एक बार फिर से टूट गया है, जिस वजह से शनिश्चरी नहान के लिए शिप्रा नदी में छोड़ा गया 30 करोड़ लीटर पानी बेकार हो गया है। करीब 5 किलोमीटर तक मोक्षदायिनी शिप्रा पूरी तरह से दूषित हो गई। पाला टूटने की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित पीएचई के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हमेशा की तरह निरीक्षण की खानापूर्ति कर वापस लौट गए। मोक्षदायिनी शिप्रा में खान नदी के गंदे पानी को रोकने के लिए सिंहस्थ के पूर्व करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर खान डायवर्जन लाइन डाली गई थी। खान डायवर्जन योजना सिंहस्थ की सबसे महंगी योजना थी, जिसके शुरू होने के पूर्व शासन प्रशासन स्तर पर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते योजना असफल रही है। योजना के तहत इंदौर रोड स्थित राघो पिपलिया बैराज से खान नदी के पानी को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन ये पानी पूरी तरह से पाइपलाइन में नहीं जाकर राघो पिपलिया से त्रिवेणी घाट की तरफ आता रहा। सिंहस्थ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने शिप्रा और खान नदी के मिलावटी पानी में ही आस्था की डुबकी लगाई। करीब 2 साल पहले शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं को कीचड़ वाले पानी में नहान मामले में मौजूदा कमिश्नर और कलेक्टर को शासन ने हटा दिया था, जिसके बाद अपनी कार गुजारियों पर लीपापोती करते हुए अधिकारियों ने त्रिवेणी घाट पर अस्थायी तौर पर मिट्टी का पाला बना दिया, जो करीब हर 2 महीने में टूट जाता है। 2.5 साल के भीतर ये पाला करीब आधा दर्जन बार टूट चुका है, लेकिन इस मामले का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका, जिसका खामियाजा ये रहा कि हर बार नर्मदा नदी का साफ पानी अस्थायी डैम टूटने से मिट्टी में मिल जाता है। इस बार भी यही हुआ। गुरुवार सुबह करीब 5:20 पर त्रिवेणी पाला टूट गया, जिसके चलते खान नदी का लाखों गैलन गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल गया। पीएचई अधिकारियों के मुताबिक बुधवार शाम 7 बजे से पाले पर पानी का दबाव बढ़ने लगा था। राघो पिपलिया से पानी पूरी तरह से लाइन में नहीं जाने की वजह से बारिश के कारण पानी राघो पिपलिया बैराज से ओवरफ्लो होने लगा, जिसे रोकने के लिए मोटर भी चलाई गई, लेकिन प्रयास असफल रहा। इसी वजह से सुबह पाला टूट गया। बता दें कि शनिश्चरी नहान के लिए नर्मदा वैली डेवलप अथॉरिटी यानी NVDA द्वारा 72 MCFT अर्थात करीब 72 करोड़ लीटर नर्मदा का स्वच्छ जल शिप्रा नदी में छोड़ा गया था, जो कि डैम टूटने से बेकार हो गया है। हालांकि अधिकारी इस पानी को गौघाट में शिफ्ट करने का तर्क दे रहे हैं, लेकिन नदी से पानी पूरी तरह शिफ्ट होना संभव नहीं है। पाल टूटने से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक शिप्रा नदी दूषित हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि NVDA द्वारा 1000 लीटर पानी के बदले 22 रुपए वसूले जाते हैं, यानी शनिश्चरी नहान के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का पानी शिप्रा नदी में छोड़ा गया था, जो कि बर्बाद हो गया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इस समस्या से निपटने के लिए अस्थायी डैम की जगह स्थायी डैम की घोषणा की तो है, लेकिन ये घोषणा पर फिलहाल काम भी शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से शासन की ढील पोल रवैया का खामियाजा हर बार जनता की गाड़ी कमाई की बर्बादी से भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से जो पाल टूटा है, एक्चुअली जो खान नदी पे एक कच्चा बंध बनाया गया था, उसके टूटने की सूचना आई थी। जैसे सूचना आई वैसे ही तत्काल तहसीलदार को EWRDO नगर निगम की टीम को रवाना कर दिया गया। एक जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त हुई कि उससे पहले एक स्टॉप डैम बना है, जिसपे कुछ गेट ग्रामीण वासियों ने निकाल दिए हैं, तो उस गेट को दोबारा हमारे द्वारा लगवाया जा रहा है, जिससे कि पीछे की तरफ पानी को रोका जा सके। इसके अलावा खान डाइवर्जन में भी अभी पानी जितनी कैपेसिटी का चल सकता है उतनी पूरी कैपेसिटी का नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको भी सुधरवा रहे हैं और जितने भी कम समय में जिसको उसकी कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम बढ़ाई जा सकती है उसको हम लोग करवाने वाले हैं। कुल मिला के जो कल की बारिश हुई है उसकी वजह से फ्लो शायद बढ़ा है। एक हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जो कच्चा अर्दन डैम है उसको हम लोग पक्का कर दें। इसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी WRDO के द्वारा भेजा गया है, उसको फॉलो करके हम लोग कराएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये खान का पानी जो है ये शिप्रा में ना मिले और वहाँ से खान का पानी भी शुद्ध हो के आए, इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है जो हमारे द्वारा की है।